अभी तक की क्लास में आप क्या क्या पढ़ के आ चुके हो? अभी तक हमने देख लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले हमने समझा कि ग्रेविटेशन कैसे कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन के बाद हमने देख लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी अबाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ये सब टर्मिनोलॉजी आप पढ़ चुके हो इस चैप्टर में। इसके बाद इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक आता है वो है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, है ना। मास और वेट में डिफरेंस क्या है ना। इन जनरल अपनी डेली लाइफ में हम लोग वेट टर्म का भी यूज करते हैं, मास टर्म का भी यूज करते हैं, लेकिन हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों बिल्कुल अलग अलग क्वांटिटी हैं। तो पहले हम कुछ पॉइंट मास के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ पॉइंट वेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ये दोनों के डिफरेंस वाले पॉइंट आप एग्जाम में लिख कर आओगे अगर वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम मास की बात करें तो मास की जो डेफिनेशन है वो है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज करिए ये इस तरह से ये लेता हूँ मैं, ये मेरे पास एक बोतल है, ठीक है। ये इस बोतल के अंदर जितना मटेरियल भरा जा सकता है, जो मटेरियल मैंने भर दिया वो मटेरियल जितना अंदर आया वो मटेरियल इस बोतल के अंदर क्या कहलाएगा कि इस बोतल के अंदर क्या भरा हुआ है, उतना मास। क्या भरा हुआ है? मास। ये वाली बात आप आ रही है समझ में? अगर ये 1 लीटर की बोतल है तो इस 1 लीटर की बोतल में मैंने फुल 1 लीटर भर लिया, ठीक। अब मैं कहूँगा इस बोतल का वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम को मास कह रहे हैं, नहीं, वॉल्यूम अलग है। इसमें 1 लीटर वाटर भरा जा सकता है, ये तो इस बोतल का वॉल्यूम हो गया, बोतल का वॉल्यूम हो गया। इस बोतल के अंदर कितना मास भरा हुआ, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की। वॉल्यूम और मास में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि वॉल्यूम और मास क्या एक ही बात है। आंसर है नो, दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे? देखो, मैंने कहा इस बोतल के अंदर 1 लीटर वाटर भरा हुआ है, इस बात का मतलब मैं बोतल की बात कर रहा हूँ, वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बोतल का वॉल्यूम कितना है कि इसमें 1 लीटर वाटर आ सकता है, तो इस बोतल के वॉल्यूम की बात होगी। वॉल्यूम की बात होगी तो बोतल की बात होगी, ठीक। अब इस बोतल के अंदर जो भरा हुआ है, जब उसकी बात करोगे तो आप क्या भर दिया आपने उसके अंदर, मास, है ना। तो जितना वो मास कंटेन कर सकती है उसको हम मेजरमेंट करेंगे किसी एक तरीके से, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन ये बनाई है कि कोई भी बॉडी जितना मटेरियल कंटेन करती है वो उस बॉडी का क्या कहलाता है, मास। मेरी बॉडी के अंदर जितना मटेरियल है वो मेरी बॉडी का क्या बना के तैयार करता है, मास। वेट नहीं, मास। ये वाली बात ध्यान रखें, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन इसकी बना ली। अच्छा, अब मास के बारे में और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। आपके अंदर जितना मटेरियल, आप जितने मटेरियल से बने हुए हो, वो मटेरियल आपकी बॉडी का क्या बना रहा है, मास, ठीक है। मास को जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम किस में बताएंगे, किलोग्राम में। तो याद रखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये बोतल है, ये बोतल भी किसी मास से मिलकर बनी हुई है, आपको पता है ये किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है ना। तो इस बोतल का भी अपना एक मास है, वाटर भर दिया वो अलग है, वो वाटर का मास होगा। अगर मैं सारा वाटर यहाँ से निकाल देता हूँ मेरे पास बोतल बचेगी, अब बोतल के पास अपना क्या होगा, मास, वो वाला मास जिससे ये मिलकर बनी हुई है। ये बात आती है समझ में, ठीक है। तो अब मेरे हाथ में ये बोतल ऐसी यहाँ पर रखी हुई है, मैंने इस बोतल को यहाँ से यहाँ रख दिया ऐसा, क्या इस बोतल के मास में कोई चेंज आया? नहीं आया। ये वाली बात क्लियर है? इस बोतल को मैं जहाँ रहता हूँ उससे दूसरी सिटी में ले जाकर मैंने रख दिया, ये बोतल ऐसी की ऐसी ही है, इसके मास में कोई भी चेंज नहीं आया। मैंने इस बोतल को इस कंट्री से उठाकर दूसरी कंट्री में ले जाकर रखा, इसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने इस बोतल को अर्थ से उठाकर मून पर ले जाकर रख दिया, इसके मास में कोई चेंज नहीं आया। तो ये बात ध्यान रखना, आप एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो उसके मास में कोई चेंज नहीं आता है, क्यों? तो आंसर है कि हमने ये एक पोस्टुलेट पढ़े हैं, डाल्टन के पोस्टुलेट आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वहां पर आपने ये पढ़ा था कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है मटेरियल को, बल्कि मुझे कहना चाहिए मैटर को, ना तो मटेरियल को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
तो अगर इस मास को, इस मटेरियल को मैंने यहां से यहां उठाकर रखा, तो जब मैं ये कहता हूं कि मैंने मटेरियल को रखा, तो आप क्या कहोगे कि मैंने किसको रखा? मास को, मास को रखा, है ना। तो जब मटेरियल को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो जितना मटेरियल यहां था उतना यहां रहेगा। तो यानी कि दोनों जगह पर मास कैसा रहेगा? सेम। इसका मतलब यूनिवर्स में कोई भी मटेरियल एक जगह से जब दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, तो उसके उस मटेरियल में कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आता। इस बात का मतलब उसके मास में कोई भी चेंज नहीं आता है, इसलिए मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर इसके बाद मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। इस बात का क्या मतलब है? मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। तो हमने क्या कहा कि अगर ये हमारे पास एक कोई मटेरियल है, जब भी हम मटेरियल वर्ड यूज करें तो आप सोचना मैं मास कह रहा हूँ। मेरे पास ये मटेरियल है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ मास है। अब मैंने इसको तोड़ दिया, है ना। अब इस ये भी मेरे हाथ में क्या बचा बताओ? मटेरियल, मास। मैंने इसको और तोड़ा, फिर से मेरे पास एक छोटा पार्ट बचेगा, फिर बचेगा मास, और तोड़ूंगा क्या बचेगा? मास। तो मास तोड़ता जाऊंगा बहुत छोटा करता जाऊंगा, फिर भी क्या बचेगा? एक मास। तो यानी कि उसको मैं कभी भी क्या नहीं कर पाऊंगा? जीरो नहीं कर पाऊंगा, यानी कि मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि वो जीरो हो चुका है। देखो, इस चौक को मैंने कहा, इस चौक को यहां पर रखी हुई है, इसको मैंने तोड़ने की बात नहीं। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर गया तो वो कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट। हाँ, अगर इस जगह से इसको यहां ले गए तो कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट। ये तो बात हो गई कि ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा। वहां पर तोड़ दोगे तो वो कम ज्यादा हो जाएगा, तोड़ने की बात नहीं होगी। ये ऐसा है, यहां से अमेरिका ले जाकर रख दिया, अब ये कैसा रहेगा? वैसे ही रहेगा। कैसा है? कॉन्स्टेंट। फिर बात आती है कि नेवर जीरो, उसको लिए आप क्या बता रहे हो कि वो जीरो क्यों नहीं हो सकता? तो उसका आंसर आप ये दे रहे हो कि अगर मैं इसको तोड़ता भी जाऊंगा तब भी मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा? एक मास, यानी कि वो जीरो नहीं हुआ। ये वाली बात आई समझ में? ठीक। मास ऑफ बॉडी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहां पर ये एक मटेरियल मैंने रखा, ये मेरे हाथ में एक मटेरियल है, बताइए इसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में रखा हुआ है? तो आप कोई सोचेगा ये तो इधर रखा है क्या, इधर रखा है क्या? आप कहोगे इधर रखा है, तो मैं तो कहूंगा नहीं, ये इधर भी रखा है। आप कहोगे ये इधर रखा है, मैं कहूंगा नहीं, ये तो इधर भी रखा हुआ है। आप कोई एक डायरेक्शन बता सकते हैं क्या इसकी? नो, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी, इसका मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ये बात आ रही समझ में? तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास, जैसे ये जो मटेरियल, अगर मैं इसको तोड़ता जाऊं या बच्चों तोड़ता जाऊं तो एक पॉइंट ही तो बचेगा मेरे पास। तो जब भी हमारे पास एक पॉइंट होता है, तो आप जानते हो पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन इस पॉइंट से जब एक लाइन बनाते हो तो उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो ये क्या है? मटेरियल एक पॉइंट है, इसको तोड़ते जाओगे तो लास्ट में एक पॉइंट बचेगा ना, और आप जानते हो पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है कि वो कितना मास है, तो इसलिए उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कि एक ये चौक है, और सपोज करिए ये चौक है एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 5 kg, मैंने ऐसे लिखा, तो ये मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है? 5 kg मैग्नीट्यूड लिखा है। क्या लिखा है? इसका मैग्नीट्यूड, कि इसका मास का मैग्नीट्यूड इतना है। क्या मुझे, अगर मुझे आपको ये बताना है कि ये चौक 5 kg की है, ठीक है, क्या मैं ऐसा कहूं कि ये 5 kg की है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा कहूं? ये तो गलत होगा ना। या मैं, अगर मैं सिर्फ ऐसा कह दूं कि ये चौक 5 kg की है, तो आपको मैंने पूरी बात बता दी, है ना। ऐसा तो नहीं कहना पड़ेगा कि 5 kg की है साउथ डायरेक्शन में, नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। इसका मतलब, इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। और अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, तो ये कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो इसलिए हम कहेंगे मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? अच्छा, मास ऑफ बॉडी कैन बी मेजर बाय बीम बैलेंस, जो आप नॉर्मली देखते हो जनरली, एक इस तरह का तराजू जिसे आप बोलते हो सिंपली, है ना। तो बीम बैलेंस से इसको, मास को मेजर कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो हो गई मास की बात है। तो मास सिंपली हम कह सकते हैं कि मास इज अ मटेरियल विच कैन बी कंटेन्ड इन अ बॉडी।
तो वो मटेरियल कहलाएगा उस बॉडी का मास। अब दूसरा टर्म आता है मास से ही, मास के ही जैसा एक टर्म आता है वेट। ठीक है, अब पहले हम वेट देख लेते हैं, तब फिर हम मास और वेट में दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, वेट की अगर हम बात करें, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जब आपने ग्रेविटी टर्म पढ़ा था, तो ग्रेविटी टर्म में आपने ऐसा कहा था कि अगर ये अर्थ है, अर्थ है ना, अर्थ के पास कोई एक बॉडी रखी हुई है, अर्थ के पास या अर्थ सरफेस पर कोई एक बॉडी रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने एक बॉडी रख दी इस जगह पर और ये अर्थ का सेंटर है, तो अर्थ इस बॉडी पर एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स का नाम बताइए क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशन तो यूनिवर्स में लगता है, अगर यूनिवर्स में जो दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई एक बॉडी अर्थ है तो उसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये वाली बात क्लियर है? तो अर्थ इस पर, इस बॉडी पर जिसका मास स्मॉल m है, उस पर क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, उसी फोर्स का नाम बच्चों क्या होता है, वेट। वो उस बॉडी का क्या कहलाएगा, वेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे हाथ में एक चौक है, ठीक है, इस चौक को अगर मैं यहां से छोड़ देता हूं तो अर्थ उस पर क्या करेगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। वो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या कहलाएगा, वेट। यानी किसी भी बॉडी का वेट किसके इक्वल होता है, जितने फोर्स से अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है। ये वाली बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या अर्थ जितनी भी बॉडी है सबको एक जैसे फोर्स से खींचती होगी? सोचो। तो आंसर है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है m इंटू जी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि g की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। अगर इस बॉडी के पास कुछ मास है, ओके, इसको अगर मैं यहां से छोड़ दूंगा तो अर्थ इस पर एक फोर्स लगाएगी और इसे अपनी तरफ खींचेगी, तो ये क्या करने लगेगी, एक्सेलरेट, है ना, इसकी ये नीचे की तरफ जाएगी और एक्सेलरेट करती हुई जाएगी। उस एक्सेलरेशन का नाम हमने क्या रखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बॉडी भी अगर मैं यहां से छोड़ता हूं तो ये भी नीचे जाएगी, है ना, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा अर्थ इसे अपनी तरफ खींचेगी और इसको एक्सेलरेट कराएगी, कितने एक्सेलरेशन से, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि दोनों बॉडी जिनके मास अलग अलग हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक, लेकिन क्या दोनों पर फोर्स एक जैसा लगेगा, तो आंसर है नो, फोर्स एक जैसा नहीं लगेगा, दोनों सेम एक्सेलरेट करती हुई तो जाएंगी, लेकिन फोर्स अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि दोनों का क्या अलग अलग है, मास। जिसका मास ज्यादा होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसका मास कम उस पर फोर्स कम लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए कैसा होगा, सेम, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, अब आपने कहा कि अर्थ जितने फोर्स से बॉडी को खींचती है वही फोर्स उस बॉडी का क्या कहलाता है, वेट। क्या कहलाता है, वेट। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, इन दोनों में से किस पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो फोर्स इस पर ज्यादा लग रहा होगा, तो बताइए इन दोनों में से वेट किसका ज्यादा होगा, इस वाली बॉडी का, क्योंकि इस पर क्या ज्यादा लग रहा है, फोर्स। इसका ज्यादा क्या है, मास ज्यादा है, तो क्या ज्यादा लग रहा होगा, फोर्स, और फोर्स को ही क्या कहते हैं, वेट। ये वाली बात आई समझ में? ठीक है, ये इतनी बड़ी चौक है, ये इतनी बड़ी चौक है, बताइए इन दोनों में से किसका वेट ज्यादा होगा, इधर वाली का, क्यों, क्योंकि क्या ज्यादा है, इसका मास ज्यादा होगा, तो अर्थ इस पर क्या ज्यादा लगाएगी, फोर्स, और उसी फोर्स, वो फोर्स किसके इक्वल होता है, इस बॉडी के वेट के, तो इसलिए इस बॉडी का वेट ज्यादा होगा। ये बात आई समझ में? ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब अगर आप ये कह रहे हो कि जो वेट होता है वही फोर्स होता है, वेट और फोर्स दोनों कैसी बातें हैं, एक ही बात है, अगर आप ये कह रहे हो तो फोर्स की यूनिट बताइए क्या होती है, न्यूटन। फोर्स को हम, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, न्यूटन। तो वेट की भी ऐसा यूनिट क्या होती होगी, न्यूटन, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना,
तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, क्योंकि वेट जो कि क्योंकि वेट फोर्स के इक्वल हो गया, मतलब आप कह रहे हो जो फोर्स होता है जो कि अर्थ किसी बॉडी पर लगाती है, एक्चुअल में उसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हमने क्या नाम रखा है, वेट। तो अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो वेट की यूनिट भी क्या होती होगी, न्यूटन होती होगी, इसीलिए हमने कहा ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। क्लियर है ये बात? अच्छा, वेट कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ मास, ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, इसको ध्यान से समझिए। वेट कैन बी टेकन एज मेजरमेंट ऑफ मास। तो देखो बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में आपने एक टर्म पढ़ा था इनर्सिया, याद है आपको? इनर्सिया को किससे मेजर करते हैं बताइए? मास से। किससे करते हैं? हमने वहां पढ़ा था कि ट्रेन का इनर्सिया ज्यादा होगा या साइकिल का इनर्सिया ज्यादा होगा, तो आपने कहा क्या कहा था, ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन का क्या ज्यादा है, मास। 5 रुपीज के कॉइन का इनर्सिया ज्यादा होगा या 1 रुपीज के कॉइन का, तो आपने कहा 5 रुपीज के कॉइन का, क्योंकि उसका क्या ज्यादा है। तो यानी कि किसका इनर्सिया ज्यादा वो किससे मेजर किया जाता है, जिसका मास ज्यादा हो, है ना, मास से मेजर करते हैं हम इनर्सिया को। अब मास को किससे मेजर करेंगे, अगर मैं आपके सामने दो बॉडी रख दूं, है ना, और मैं आपसे पूछूं किसका मास ज्यादा है। अब ये भी बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे मटेरियल, यहां भी बहुत सारा मटेरियल है ना। अब आप साइज को देखकर मास का अंदाजा नहीं लगा सकते, साइज को देखकर मास का अंदाजा लगाया जा सकता है क्या? नहीं। सुनो कैसे, ये मेरे हाथ में एक इतना बड़ा बार है जिससे मैं इस बोर्ड को साफ करता हूं, इतना ही बड़ा मैं एक आयरन का बार लेकर आ जाऊं, तो अगर आप ये कह रहे हो मैं साइज देखकर मास बता देता हूं, तो क्या बता सकते हो? मैं बिल्कुल सेम ऐसा ही लेकर आऊंगा आयरन का, उसको भी ग्रीन कलर का कर दूंगा, तो बताओ साइज देखकर आप मास बता दोगे? नहीं। मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये आयरन का है, तो आप कह नहीं सकते हो, साइज से आप मास नहीं बता सकते हो कि मास किसमें ज्यादा होगा, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस बात की जरूरत पड़ेगी कि मास को मेजर किससे किया जाए, है ना। तो कुछ ना कुछ एक तरीका चाहिए हमें, कोई ना कोई एक फॉर्मूला चाहिए, तो हमने एक तरीका बनाया, वो ये बनाया कि वी नो दैट कि वेट इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स, ये कहा आपने, अच्छा, बट वी नो दैट कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट किसके इक्वल हुआ, एम इनटू जी के, तो जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला था वो किसका फॉर्मूला भी है, वेट का। अच्छा, आप मुझे ये बताइए क्या स्मॉल जी की वैल्यू इन दोनों के लिए अलग अलग होगी या सेम होगी? तो आंसर ऑलवेज सेम रहेगी, आप कितना भी बड़ी बॉडी को लेकर आइए, छोटी बॉडी को लेकर आइए, स्मॉल जी हमेशा सेम रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बॉडी का क्या चेंज हो जाता होगा, सिर्फ क्या चेंज होता होगा, मास। ये तो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा ऑलवेज। इसका मतलब जो हमारा वेट है वो किस पर डिपेंड करता होगा, मास ऑफ बॉडी पर, ठीक है, मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता होगा। तो इसको आप ऐसे ही तो कहोगे, जिसका मास ज्यादा उसका क्या ज्यादा, वेट ज्यादा, क्या ज्यादा, अब इसको उल्टा कहना शुरू करो, जिसका वेट ज्यादा उसका क्या ज्यादा, मास। ये वाली बात आई सर में, जिसका वेट ज्यादा उसका क्या ज्यादा, तो इसका मतलब मास को मेजर करने के लिए हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, वेट की हेल्प। जैसे मैंने आपसे पूछा बताइए इन दोनों में से किसका मास ज्यादा, तो आप मुझसे कहोगे अच्छा आप ये बताओ इन दोनों में से वेट किसका ज्यादा है, तो मैंने आपसे कहा इसका वेट ज्यादा है, तो आप कहोगे अच्छा इसका मास ज्यादा होगा, तो फिर क्योंकि अगर इसका वेट ज्यादा है तो इसका क्या ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा। ये वाली बात आई समझ में, ठीक है। तो वाइस वर्सा चलती हैं चीजें, मास से आप वेट को मेजर कर सकते हो, है ना, मास पर वेट डिपेंड करेगा और वेट पर मास डिपेंड करेगा, ठीक है, ओके। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट मैंने कहा एक वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए क्यों वेट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? तो आंसर है कि वेट किसके इक्वल होता है, फोर्स के। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने एक फोर्स लगाया, मैंने आपके ऊपर फोर्स लगाया, तो मुझे यह बताना पड़ेगा मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया आप पर नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, तभी तो पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट भी कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही किसकी डायरेक्शन होगी, वेट की डायरेक्शन।
ये वाली बात आई समझ में, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे ही और जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर वेट की डायरेक्शन होगी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन आप जानते हो किधर होती है, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा वो बॉडी को किधर खींचता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब वेट की डायरेक्शन भी ऑलवेज किधर दिखाते हो आप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी किसी पास एक डायरेक्शन है, मैं अगर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो अर्थ मुझ पर एक फोर्स लगा रही है या नहीं लगा रही है, लगा रही है, उसी की वजह से मैं खड़ा रह पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है ना। ऐसे वो डाउनवर्ड एक फोर्स लगा रही है और मैं ऊपर ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो क्या हो रहा है, बैलेंस। अगर वो फोर्स ना लगाए मैं बैलेंस ही नहीं रह पाऊंगा, ऐसे हवा में चलने लग जाऊंगा। बात आई समझ में? तो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फोर्स, ये वेट फोर्स के इक्वल होता है, इसलिए क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती होगी। ठीक है, जब भी आप बच्चों किसी भी सरफेस पर एक बॉडी को ऐसे रखोगे ना कभी भी, है ना, तो उसका वेट हमेशा किधर दिखाओगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर लिख दोगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा एम जी, और वो एम जी किसके इक्वल होगा, उस बॉडी के वेट के। ठीक है, अच्छा, वेट ऑफ बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट। अब इस बात का मीनिंग समझाइए, वेट ऑफ बॉडी कांस्टेंट क्यों नहीं होता। ये एक बॉडी है जो अभी अर्थ में है, हम लोग अर्थ पर रह रहे हैं, अर्थ पर रखी हुई है। ठीक है, इस बॉडी का मास जितना अर्थ पर होगा उतना ही, इस बॉडी को ले जाकर मैंने मून पर रख दिया, अब इस बॉडी का मास बताइए चेंज होगा या नहीं, नहीं, मास कभी भी चेंज नहीं होता। ये अर्थ पर रखी है, इसका मास है 6 kg। ठीक है, मून पर ले जाकर रखा, अब मास बताइए कितना होगा, 6 kg। क्लियर है? अच्छा, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बॉडी अर्थ पर रखी हुई है, इस पर ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन करेगी, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये एक्सेलरेट करेगी ग्रेविटी की वजह से, कितनी वैल्यू से, g = 9.8 m/s² अर्थ पर। लेकिन अगर मैं अर्थ से दूर जाऊंगा तब भी क्या जी की वैल्यू उतनी ही रहेगी, तो आंसर है नो। ये जो स्मॉल जी की वैल्यू हमने निकाली है ये कहां पर निकाली है, अर्थ पर या नियर द अर्थ, बहुत दूर नियर द अर्थ सरफेस। अब मैं तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, मतलब जो ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो 9.8 से वो कम होते 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 कुछ कम हो गया होगा, कुछ भी वैल्यू रही होगी, एक बहुत कम वैल्यू 9.8 से, तो वहां पर किसकी वैल्यू चेंज हो गई, स्मॉल जी, किसकी वैल्यू चेंज हो गई बताओ, स्मॉल जी। अब वेट इक्वल्स क्या होता है जी, अर्थ पर मास जितना है मून पर भी मास उतना ही है, लेकिन क्या चेंज हो चुका है, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो चुकी है क्योंकि वहां पर जाने पर कम हो गई, तो इसलिए क्या चेंज हो जाएगा, वेट। तो किसी भी पर्सन का वेट अर्थ पर जितना होता होगा मून पर होगा या कम हो जाता होगा, चेंज होकर कम होगा या ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बट स्मॉल जी की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो इसका मतलब वेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मास और वेट में बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस बताइए, मास क्या होता है, जितना मटेरियल कोई बॉडी कंटेन करती है, वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होता है जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को अपने सेंटर खींचती है। ठीक है, अच्छा, और इसकी वेट कैन बी टेकन एज मेजर, क्यों नहीं होता, क्योंकि अलग अलग जगह पर जाने पर किसकी वैल्यू में कम जाने लगता है, वेट भी चेंज होने लगता है, इसलिए वो कॉन्स्टेंट नहीं होता। वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो, यस, आप मुझे ये बताइए मास कैन बी जीरो, नो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन वेट जीरो हो सकता है, कब जीरो हो जाएगा, तो मैं बता रहा हूं आपको, जान लो ये अर्थ से जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो क्या होगा, स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो कम होने लगेगी। कैसे कम होने लग जाएगी, हम कैसे मान लें सर कम हो जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल जी का मैं रिलेशन कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में क्या आर स्क्वायर, ये जितना बढ़ेगा डिस्टेंस
उतना ये क्या हो जाता होगा, कम कम होगा, ठीक है। अब एक बॉडी यहां पर रखी हुई है तो डिस्टेंस ये है, लेकिन अगर उस बॉडी को यहां रख दोगे तो डिस्टेंस बढ़ गई, उस बॉडी को यहां रख दोगे तो डिस्टेंस और बढ़ गई। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या कम हो जाएगी, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, या मैं कहूं स्मॉल जी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। मैं अर्थ सरफेस से दूर जा रहा हूं और बहुत दूर चला गया। अब ये 9.8 से पहले कम होती थी, 9.8 से कम होती जा रही है, यहां पर आई 1.5 रह गई, 1 रह गई, फिर और आया 0.000 रह गई, फिर 0.001 रह गई, कुछ ऐसे रहती गई। एक टाइम ऐसा आया 0.0000 बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल क्वांटिटी हो गई, जो कि ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, तो हमने कहा ऑलमोस्ट क्या हो गया, जीरो। ये बात आई समझ में? तो इसका मतलब किसकी वैल्यू जीरो हो गई है, जी की वैल्यू, मास तो जीरो नहीं हो सकता, किसकी वैल्यू जीरो हो गई है, जी की। अगर जी की वैल्यू यहां पर जीरो पुट कर दो तो 0 × m आंसर कितना आएगा, जीरो। तो यानी वेट की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। ये वाली बात आई समझ में? और दूसरी बात यह भी है कि अगर आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे तो वहां पर भी आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि अर्थ के सेंटर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। वो हम प्रूफ करके दिखाएंगे क्लास 11th में, ठीक है ना। तो सेंटर यानी कि अगर बॉडी का मेजर किया जाए तो कैसा फील करेगा, जीरो। सेंटर पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी क्या होती है, जीरो। अगर ये जीरो होती है तो वेट भी कैसा होगा, जीरो। ये बात है, कह रहे हैं वेट ऑफ बॉडी, दो पॉइंट बताए इसके बारे में। पहला, अर्थ से हम जितना दूर जाएंगे तो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है इसलिए इसकी वैल्यू जाएगी, इसकी वैल्यू, और एक टाइम में आएगा कम होते होते वो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगी। और अगर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी उस डिस्टेंस पर तो वेट वैल्यू यानी कहीं ना कहीं पर जाकर क्या हो जाती होगी, जीरो। एक पॉइंट। दूसरा, मैंने आपको ये कहा आपका जो सेंटर होता है वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू जीरो होती है। क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th क्लास में, ठीक है। वहां पर क्या होता है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। यानी अगर किसी बॉडी को हम सेंटर पर ले जाकर रख दें तो बताइए उस टाइम उस बॉडी का वेट कितना होगा, जीरो। जीरो वेट फील करेगा। जीरो वेट का मतलब बच्चों वैसा हो गया जैसे किसी लिफ्ट में आप अगर आप हो और लिफ्ट एकदम से नीचे की तरफ जाने लग जाए, फ्री फॉल करने लग जाए, तो आपको कैसा वेट फील होता है, अपना वेट फील नहीं होता है आपको, है ना। तो वो कौन सी कंडीशन पर आ जाते हो, जीरो वेट वाली कंडीशन पर। ये वाली बात आ रही है समझना? तो वैसी वाली कंडीशन यहां पर रहेगी। कहां कहां पर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ पर वेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, और एक बहुत ही दूर डिस्टेंस पर अगर हम चले जाए तो वहां पर जहां पर जी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है वहां पर भी वेट कैसा फील होता है, जीरो। इसीलिए आप देखते हो कि एस्ट्रोनॉट ऐसा उड़ता रहता है क्योंकि वेट उसका कैसा है, जीरो, वैसे हवा में रहेगा। वो मेजरमेंट नहीं लेना है हमें, हमने कहा किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जहां पर वो ऑलमोस्ट जीरो कह सके हम, ठीक है। अच्छा, वेट ऑफ बॉडी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, जो स्प्रिंग बैलेंस मेजरमेंट का जो हमारे पास डिवाइस रहता है उससे हम किसको मेजर करते हैं, वेट को, जिससे हम फोर्स को मेजर करते हैं उसी से हम वेट को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए मास और वेट में। पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिख कर आ जाओगे बड़े आसानी से, ठीक है। अब दोनों के मेजर जो डिफरेंस है वो बताओ। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होती है, किलोग्राम, जबकि वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। दोनों में डिफरेंस हो गया एक। अच्छा, पहला तो हो गया डेफिनेशन वाला, दूसरा ऐसा यूनिट का हो गया। तीसरा, मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, बट वेट जीरो हो सकता है। किसकी वजह से जीरो होता था बताओ, क्योंकि किसकी वैल्यू जीरो हो जाती थी, जी की वैल्यू, ठीक है। मास एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएं, जैसे अर्थ से मून पर चले जाएं, तो मास में कोई भी चेंज नहीं आता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट में चेंज आ जाता है। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, और इस ये मेजर डिफरेंस हो गए आपके चार, ठीक है। और उसको किससे मेजर करते हो आप, बीम बैलेंस से, जबकि इसको किससे करते हो, स्प्रिंग बैलेंस से। दोनों की मेजरिंग डिवाइस अलग अलग होती हैं। और
ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये पांच डिफरेंस हैं, मेजर डिफरेंस, जो अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख पाओगे इसको, ठीक है। किससे, ये बात ध्यान रखना, ये वाली बात ध्यान रखना। अगर मैं कहूं ये बताइए चौक बड़ी है या छोटी है, कैसे आपको कैसे पता बड़ी है? हाँ तो यस करेक्ट। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि ये चौक बड़ी है या छोटी है, तो आप हमेशा क्या पूछोगे, किससे, है ना। अगर उसने ये सामने रख दिया तो अब आप स्टेटमेंट बनाओगे कि ये क्या है, बड़ी, और उसने अगर ये सामने रख दिया तो फिर ये कैसी है, छोटी। अब आपने मुझसे पूछा कि सर इसका मास ज्यादा है या वेट ज्यादा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं किससे, आप इससे पूछना चाह रहे हो या इससे पूछना चाह रहे हो, वो मुझे आप बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा किससे वेट ज्यादा किससे वेट कम। अकेला किसी भी चीज का मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए इस तरह से मेजरमेंट जो कंपैरिजन होता है वो अकेला नहीं कर सकते हो। वो बड़ा है, हाइट उसकी ज्यादा है, लेकिन किससे, है ना। एक सामने एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा ना, तब आप बताओगे इससे ज्यादा है। अब आपने पूछा इसका मास ज्यादा या वेट ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि देखो अगर हम मेजर करें तो इसके इसको जो अर्थ है वो ज्यादा फोर्स से नीचे खींच रही है एज कंपेयर टू दिस। तो क्योंकि इस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है इसलिए इसका क्या ज्यादा होगा, वेट। और इसका वेट ज्यादा इस बात का मीनिंग ये हो गया कि इसका क्या ज्यादा रहा होगा, मास। ये वाली बात आई समझ में?